फ्रेंड्स आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा वीडियो किस टॉपिक के बारे में होने वाला है। तो यहाँ पे आज कोई मैं आपको टेक्निकल वीडियो के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, कोई यूट्यूब की टिप्स नहीं देने वाला हूँ। आपको मैं अपनी मंथली अर्निंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, कितना मैं यूट्यूब से कमाता हूँ और मेरा जो यूट्यूब का जो कैरियर है वो कब स्टार्ट हुआ है और क्या क्या जो है डिफ़िकल्टीज मेरी इस यूट्यूब कैरियर में आई है। और एक नया यूट्यूबर जब भी यूट्यूब के अंदर आता है उसको बहुत सी बेसिक नॉलेज का नहीं पता होता है कि यूट्यूब की वीडियो को कैसे शूट किया जाता है, फेस कैम वीडियो कैसे बनाई जाती है और जो फर्स्ट टाइम जो उनकी वीडियो होती है वो कितनी बेकार और भद्दी क्वालिटी की होती है वो आप अच्छी तरीके से समझते हैं अगर आप एक यूट्यूबर हैं। लेकिन कैमरे को फेस करना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, बहुत ही हार्ड वर्क होता है। और जिसने ये फेस कर लिया और जो सिचुएशन से गुजर गया, जिसने ये क्रॉस कर ली, अब वो मान लो सक्सेसफुल हो गया। अब आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जब आप कंपनी में पूरे महीने वर्क करते हैं और एक महीने के बाद आपको सैलरी मिलती है और उस सैलरी का आपको उस पूरे महीने से वेट होता है कि यार मैं पूरे महीने काम करूंगा और मुझे एक महीने की सैलरी मिलेगी। तो फ्रेंड देखिए आज के वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मोटिवेशनल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मोटिवेट ही करूंगा ताकि आप लोग भी जिस मैं प्लेटफॉर्म से मैं कमाता हूँ उस प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करें। फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगाना है। सबसे बड़ी जो डिफिकल्टीज में आती है फैमिली मेंबर्स की, फ्रेंड्स की और आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी। तो फ्रेंड देखिए जब भी आप यूट्यूब पर सबसे पहली वीडियो को अपलोड करते हैं वो भी फेस कैम वीडियो को, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि फेस कैम वीडियो सबके बस की बात नहीं होती है बनाने की। और YouTube पे बहुत ही जो है कठिनाइयां आती है YouTube की वीडियो को एडिट करना, शूट करना, अपलोड करना, बहुत टाइम लग जाता है YouTube की वीडियो को शूट करने में और अपलोड करने में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स और आपके रिश्तेदार कि वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। और ये हर यूट्यूबर के साथ होता है, चाहे कोई भी आज तक यूट्यूब पे वर्क कर रहा है या करने वाला है। तो 99% ये कहूंगा कोई भी ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे को ये बोलता है कि आप यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे वर्क करिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा आपको फैशन दिखाने का मौका मिलता है, आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आपको यही सोचना है कि मैं फेस कैम वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ या फिर मेरे जो फैमिली मेंबर है, मेरे यार दोस्त, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तो आपको अगर उन चीज़ों को इग्नोर करके यूट्यूब के अंदर वर्क करना है तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार ये सोच लिया कि फैमिली और रिश्तेदार फ्रेंड्स क्या बोलेंगे कि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इससे अच्छा आप कोई जॉब कर लीजिए, कोई स्टडी या कोचिंग कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, नॉलेज है, अगर आपको किसी अच्छी फील्ड की नॉलेज है, आप यहाँ पर यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं और अपनी नॉलेज के साथ साथ आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं अपने यूट्यूब कैरियर की बात करूँ तो 2008 से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। फिर मैंने फेस कैम वीडियो 2009 से शायद स्टार्ट किया था और मुझे भी ये लगता था कि मेरे यार दोस्त फ्रेंड्स क्या कहेंगे, लेकिन मैंने हर चीज़ को इग्नोर किया और जितना भी मुझे लगा कि हाँ यूट्यूब पर अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमाया जा सकता है, मैंने 4 से 5 जो है अपने चैनल क्रिएट किए, मोनेटाइज हुए। मोनेटाइज होने के बाद वो है जो सस्पेंड हो गया, क्योंकि मुझे उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि एडसेंस को कैसे लॉगिन किया जाता है, एडसेंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यूट्यूब पे पहले ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइब आपको कंप्लीट करके देनी है। जब भी आपने यूट्यूब पे अपनी सबसे पहली वीडियो अपलोड कर दी वो तब से ही मोनेटाइज स्टार्ट हो जाता था और वहाँ से जो आपकी अर्निंग थी वो एडसेंस के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती थी। लेकिन उस टाइम पर मैं अंडर एज था और मैंने 4 से 5 मेरे जो चैनल है वो मोनेटाइज भी हुए और डीमोनेटाइज भी हुए। लेकिन 2008 के बाद जब मुझे धीरे धीरे पता चला YouTube के बारे में कि YouTube पे कैसे वर्क करते हैं, YouTube का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, और 2008 से आज 2021 चली यानी 13 से 14 साल मुझे YouTube के अंदर लगे हैं, तभी मैं यहाँ पे YouTube पे अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ और आप भी कमा सकते हैं अगर आप अपने फैशन को दिखाना चाहते हैं, लोगों तक शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अगर YouTube पे अच्छे तरीके से वर्क करना है तो आपको ये सब चीज़ें छोड़नी होगी कि फैमिली मेंबर्स क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। अगर आपको कुछ करना है, कुछ YouTube के अंदर बन के दिखाना है, तो आपको ये सब चीजों को इग्नोर करना होगा, हार्डवर्क करना होगा, तभी आप यहाँ पे जो है सक्सेसफुल पा सकते हैं। अब रही मेरी अर्निंग्स की बात कि मैं पर महीने कितना कमा लेता हूँ, तो देखिए अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब से मेरा जो मंथली इनकम है वो आ जाता है 15 से 20 हजार रुपए। तो फ्रेंड्स ये तो मेरा यूट्यूब की अर्निंग्स। अगर मैं अपने अलग प्लेटफॉर्म की बात करूँ जहां से मैं अर्निंग करता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म से मैं अर्निंग करता हूँ, तो मैं यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग से, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग से, तो बहुत ज्यादा पैसा मैं कमा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देखे कैसे यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया जाता है, कैसे यूट्यूब पे वर्क किया जाता है, तो आपको सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब के अंदर। अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको 1000 वीडियो अवेलेबल हो जाएगी किसी ना किसी क्रिएटर की। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगे।